नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय प्रताप। दोस्तों, बैक पोस्चर की प्रॉब्लम पहले 50 उम्र के बाद के लोगों में पाई जाती थी, लेकिन दोस्तों जब से कंप्यूटर्स, मोबाइल्स और मशीनों के द्वारा लोगों काम होने लगा है, तब से दोस्तों 25 उम्र के बाद के लोगों में बैक पोस्चर की समस्या एक आम समस्या बन गई है। दोस्तों इसमें होता यह है कि दोस्तों आपका पीठ इस तरह से मुड़ जाता है, आपका कंधा इस तरह से आगे को आ जाता है और आपका सिर इस तरह से आगे झुक जाता है। इस तरह से आपका बॉडी पोस्चर बन जाता है। दोस्तों जब भी आप अपने लैपटॉप को चलाते हैं तब दोस्तों आपका पीठ इस तरह से मुड़ा हुआ रहता है और आपका सिर इस तरह से आगे को झुका रहता है। और दोस्तों जब भी आप अपने मोबाइल को चलाते हैं तब भी दोस्तों आपका पीठ इस तरह से मुड़ा हुआ रहता है और आपका सिर इस तरह से झुका रहता है। और दोस्तों आप इसी पोजिशन में कई घंटों तक बने रहते हैं। इससे दोस्तों यह होता है कि आपके शरीर की कुछ मसल्स वीक हो जाती हैं और कुछ मसल्स आपकी टाइट हो जाती हैं। जैसे कि दोस्तों आपकी यहाँ की गर्दन पीछे वाली मसल्स टाइट हो जाती हैं और आगे की मसल्स आपकी वीक हो जाती हैं। इससे यह होता है कि दोस्तों आपका सिर इस तरह से आगे को झुक जाता है दोस्तों। और दोस्तों आपकी सीने की मसल यहाँ की टाइट हो जाती है और यहाँ की मसल्स आपकी वीक हो जाती हैं। और यहाँ की मसल्स थोड़ी वीक हो जाती हैं आपकी, तो इससे यह होता है कि आपका दोनों कंधा इस तरह से आगे को आ जाता है और आपका पीठ इस तरह से मुड़ जाता है। और दोस्तों जब भी आप खड़े होते हैं तब भी दोस्तों आपका बॉडी का पोस्चर इसी तरह से बना रहता है। और दोस्तों आपकी बॉडी की बनावट फिजिकल वर्क करने के लिए बनी है, न कि कई घंटों तक बैठे रहने के लिए बनी है। और दोस्तों जब भी आपकी बॉडी पोस्चर इस तरह से हो जाता है दोस्तों, तो दोस्तों आपको कई सारी समस्याएँ भी होने लगती हैं। जैसे कि दोस्तों आपके गर्दन और आपकी पीठ में दर्द की समस्या हो सकती है दोस्तों। और दोस्तों इस तरह से बैठे रहने से आपका मोटापा भी बढ़ता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको अपने वीक मसल को स्ट्रॉन्ग करना है और अपने टाइट मसल का आपको स्ट्रेच करना है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको 6 एक्सरसाइज बताऊंगा और 5 स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपने पहले स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को। तो दोस्तों हमारे पहले स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज का नाम है आर्म लॉक। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज को आप बैठ के भी कर सकते हैं और खड़े होकर भी कर सकते हैं दोस्तों। जब भी दोस्तों आप इसे बैठ के करें तो दोस्तों आपकी पीठ सीधी रहनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों इसे करने के लिए आपको पहले अपने इस हाथ को पहले हाथ को इस तरह से पीछे को ले जाना है और दूसरे हाथ को इसे ऊपर को ले जाकर अपने पहले हाथ को इस तरह से पकड़ना है दोस्तों इस तरह से आपको। और इसी पोजिशन में आपको 30 से 45 सेकेंड तक रुके रहना है आपको। इसी तरह से आपको दूसरे हाथ के साथ भी करना है दोस्तों इस तरह से। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज को आपको 3 से 4 बार करना है दोस्तों। तो दोस्तों दूसरी एक्सरसाइज को करने के लिए आपको सीधा खड़ा होना है या दोस्तों आप बैठ कर भी कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को। तो उसे करने के लिए दोस्तों इस तरह खड़ा होना है। अब दोस्तों आपको अपने दोनों हाथों को पीछे को ले जाना है इस तरह से। अब दोस्तों आपका अपने हाथों को ऊपर को उठाना है इस तरह दोस्तों। और इसी पोजिशन में आपको 30 सेकेंड तक बने रहना है दोस्तों, नीचे लाना है दोस्तों। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज को आपको 3 से 4 बार करना है दोस्तों। अब दोस्तों हमारे तीसरे एक्सरसाइज का नाम है शोल्डर डिसलोकेशन। तो दोस्तों इसे करने के लिए आपको एक कपड़े की जरूरत पड़ेगी दोस्तों इस तरह से, या दोस्तों आप कोई डंडा भी ले सकते हैं दोस्तों, या दोस्तों आप कोई रस्सी भी ले सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इसे करना क्या है दोस्तों, आपको इस तरह से आपको अपने कपड़े को पकड़ लेना है और इस तरह से सीधा करना है अपने हाथों को इस तरह से। अब दोस्तों आपको ऊपर ले जाना है दोस्तों और उसके बाद पीछे को ले जाना है इस तरह से, और फिर आपको आगे को लाना है दोस्तों इस तरह से करना है दोस्तों आपको इस तरह से। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज को आपको 2 से 3 सेट करने हैं और हर सेट में आपके 10 रैप्स होने चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों हमारे चौथे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज का नाम है नीलिंग टी स्पाइन। तो दोस्तों इसे करने के लिए आपको एक कुर्सी की जरूरत पड़ेगी या दोस्तों आप अपने बेड की सहायता भी ले सकते हैं दोस्तों। दोस्तों इसे करने के लिए आपको सबसे पहले अपने घुटने के बल इस तरह खड़े होना है। अब दोस्तों आपका अपने दोनों हाथों के घुटने को इस तरह से रखना है आगे को और अपने हाथ के पंजों को इस तरह पकड़ लेना है दोस्तों। अब दोस्तों आपको इस तरह नीचे को झुकना है इस तरह दोस्तों इस तरह से करना है दोस्तों। और इसी पोजीशन में आपको 30 सेकेंड तक रहना है दोस्तों। इस एक्सरसाइज को आपको 3 से 4 बार करना है दोस्तों।
अब दोस्तों हमारे आखिरी और पांचवी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज का नाम है कैट एंड डॉग। तो इसे करने के लिए आपको सबसे पहले अपने घुटने के बल खड़े हो जाना है दोस्तों। अब दोस्तों आपको अपने दोनों हाथों को आगे को लाना है दोस्तों इस तरह से। अब दोस्तों आपको अपनी पीठ को ऊपर को उठाना है दोस्तों इस तरह से, और इसी पोजीशन में आपको 10 सेकेंड तक रुके रहना है दोस्तों। अब दोस्तों आपको अपने पीठ को नीचे को ले जाना है और अपने सिर को ऊपर को उठाना है दोस्तों, और इसी पोजीशन में आपको 10 सेकेंड तक रुके रहना है दोस्तों। फिर से दोस्तों इसी तरह करना है आपको। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज को आपको 3 से 4 सेट करने हैं और हर सेट में आपके 10 रैप्स होने चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों हमारे पहले एक्सरसाइज का नाम है रिवर्स प्लैंक ब्रिज। तो दोस्तों इसे करने के लिए आपको सबसे पहले अपने पैर फैला लेना है। अब दोस्तों आपको अपने दोनों हाथों को पीछे को ले जाना है दोस्तों, बहुत पीछे नहीं ले जाना है दोस्तों, अब बहुत आगे भी नहीं करना है दोस्तों, मीडियम में करना है दोस्तों आपको। अब दोस्तों आपको अपने पैर को इसे मोड़ लेना है। अब दोस्तों आपको अपने कमर को ऊपर को उठाना है दोस्तों इस तरह से, और इसी पोजीशन में आपको 10 सेकेंड तक रुके रहना है दोस्तों, फिर वापस आना है दोस्तों, इसे करना है दोस्तों आपको। दोस्तों इस एक्सरसाइज को आपको 3 से 4 सेट करने हैं और हर सेट में आपके 10 रैप्स होने चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों हमारे दूसरे एक्सरसाइज का नाम है प्रोन कोबरा। तो इसे करने के लिए आपको सबसे पहले अपने पेट के बल इस तरह से लेट जाना है दोस्तों, और अपने दोनों हाथों को इस तरह से कमर के बगल रखना है दोस्तों। अब दोस्तों आपको अपने पैरों को ढीला नहीं छोड़ना है दोस्तों, आपको अपने पैरों को थोड़ा टाइट रखना है इस तरह से दोस्तों। अब दोस्तों आपको अपने कंधे को और अपने सिर को इस तरह ऊपर को उठाना है दोस्तों इस तरह से, और अपने हाथों को इस तरह से ऊपर को उठाना है दोस्तों। इस तरह से करना है दोस्तों, और इसी पोजीशन में आपको 10 सेकेंड तक रुके रहना है दोस्तों, फिर वापस आना है, फिर दोबारा करना है दोस्तों इस तरह से, इस तरह से। और आपके सिर इस तरह से सीधा रहना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज को आपको 2 से 3 सेट करने हैं और हर सेट में आपके 10 रैप्स होने चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों तीसरी एक्सरसाइज को करने के लिए आपको सबसे पहले प्रोन कोबरा की पोज में आना है दोस्तों इस तरह से, इस तरह से। लेकिन दोस्तों आपका हाथ इस तरह से सिर के ऊपर रहना चाहिए दोस्तों, इस तरह से करना है दोस्तों आपको। और इसी पोजीशन में आपको 10 सेकेंड तक रुके रहना है दोस्तों, फिर वापस आना है, फिर दोबारा करना है दोस्तों। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज को आपको 2 से 3 सेट करने हैं और हर सेट में आपके 10 रैप्स होने चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों हमें चौथी एक्सरसाइज को भी करने के लिए हमें प्रोन कोबरा की पोज में आना है दोस्तों इस तरह। लेकिन दोस्तों आपका हाथ इस तरह से सीधा रहेगा, W के शेप में रहेगा दोस्तों इस तरह से। अब आपको ऊपर की ओर उठना है दोस्तों इस तरह से, और इसी पोजीशन में आपको 10 सेकेंड तक रुके रहना है दोस्तों, फिर नीचे लाना है, है ना दोस्तों। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज को भी आपको 2 से 3 सेट करने हैं और हर सेट में आपके 10 रैप्स होने चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों हमें पांचवी एक्सरसाइज को भी करने के लिए हमें प्रोन कोबरा की पोज में आना है दोस्तों इस तरह से। लेकिन दोस्तों आपका दोनों हाथ इस तरह से सीधा रहेगा, वाई की शेप में रहेगा दोस्तों इस तरह से, और ऊपर की ओर उठाना है दोस्तों, और इसी पोजीशन में आपको 10 सेकेंड तक रुके रहना है दोस्तों, नीचे लाना है, ऊपर करना है दोस्तों। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज को आपको 2 से 3 सेट करने हैं और हर सेट में आपके 10 रैप्स होने चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों हमारे आखिरी और छठवीं एक्सरसाइज का नाम है वॉल स्लाइड। तो दोस्तों इसे करने के लिए आपको
अपने पूरे शरीर को दीवार के पास ले जाना है और दीवार के ऊपर इसे पूरा चिपका लेना है दोस्तों, और अपने दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर की ओर उठाना है दोस्तों। अब दोस्तों आपको अपने हाथों को इस तरह से नीचे को लाना है और फिर ऊपर को ले जाना है दोस्तों, फिर नीचे लाना है, फिर ऊपर को ले जाना है दोस्तों इस तरह से। तो दोस्तों इस तरह से आपको करना है। इस एक्सरसाइज को आपको 3 से 4 सेट करने हैं और हर सेट में आपके 10 रैप्स होने चाहिए। अगर आप इन एक्सरसाइज और इन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को 21 दिनों तक करते हैं आपका बैक पोस्चर ठीक हो जाएगा। तो अगर दोस्तों आप इन एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को रोजाना कर, आपको बैक पोस्चर की समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों।